बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज मिसेस अदीला माजिद, एसएस मैथ, डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज साहिवाल। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। टुडे आवर टॉपिक इज रिलेटेड टू यूनिट नंबर 8, इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा, एक्सरसाइज 8.4, क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट्स, लेट्स रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ लाइक टर्म्स। The terms of same kind only differ by their coefficients are called like terms. Students, like terms ऐसी terms को कहते हैं जिनका variable और exponent तो same होगा लेकिन उनका coefficient change होता है। और coefficient के बारे में आप जानते हैं, multiplying factor of the variable is called coefficient. Students, variable ऐसी quantity को कहते हैं जिसकी value change की जा सकती हो। For example, a प्लस 2a प्लस 3a। स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि तीनों टर्म्स का वेरिएबल क्या है, a। स्टूडेंट, चूंकि इनका वेरिएबल सेम है, उसका एक्सपोनेंट भी सेम है, इसलिए हम इन टर्म्स को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ये बात याद रखिएगा, जिस वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट ना लिखा हो उसका कोफिशिएंट 1 होता है। आप इन टर्म्स को जब आपस में ऐड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 6a। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 3b प्लस 4b। स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं कि दोनों टर्म्स का वेरिएबल सेम है और वेरिएबल कौन सा है, b। इसलिए आप जब इनको ऐड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 7b। स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस द सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन इज एन ऑपोजिट ऑपरेशन ऑफ एडिशन। हियर आर सम रूल्स फॉर सब्ट्रैक्शन। फर्स्ट रूल है, चेंज द साइन ऑफ ईच टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन टू बी सब्ट्रैक्टेड। स्टूडेंट, सबसे पहले हमने हमारा जो एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, हमने उनकी टर्म्स के साइन चेंज करने होंगे। जिन टर्म्स के साइन पॉजिटिव होंगे वो नेगेटिव हो जाएंगे और जिनके साइन नेगेटिव होंगे वो पॉजिटिव हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप है, अरेंज द लाइक टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। स्टूडेंट, साइन चेंज करने के बाद हम लाइक टर्म्स को अरेंज करके लिखेंगे। नाउ सिंप्लीफाई देम अकॉर्डिंग टू गिवन ऑपरेशन। स्टूडेंट्स, अरेंज करने के बाद अब हम उन्हें सिंप्लीफाई कर लेंगे। जो टर्म्स ऐड हो रही होंगी उन्हें ऐड कर देंगे और जो टर्म्स सब्ट्रैक्ट हो रही होंगी उन्हें हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नाउ वी विल डिस्कस अवर एक्सरसाइज 8.4, क्वेश्चन नंबर 5। If A is equal to A plus B plus C, B is equal to A minus B plus C, C is equal to A plus B minus C, D is equal to minus A minus B minus C, then हमारा first part है, हमने find करना है A minus B। Students, इस question में हमें A, B, C और D की different expressions दिए गए हैं और हमने डिफरेंट पार्ट्स को सॉल्व करना है। हमारा फर्स्ट पार्ट है a माइनस बी। सबसे पहले हम a का एक्सप्रेशन लिखेंगे, माइनस b का एक्सप्रेशन लिखेंगे। स्टूडेंट्स, हमने अभी रूल पढ़ा कि सबसे पहले जो एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा उसका साइन चेंज हो जाएगा और आप यहाँ देख सकते हैं कि a के एक्सप्रेशन में से b का एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए a की जो टर्म्स हैं वो वैसे ही रहेंगी लेकिन एक्सप्रेशन b की जो टर्म्स हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। a का साइन पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया, b का साइन नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, इसी तरह c का साइन पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमने ये पढ़ा था कि हमने लाइक टर्म्स को अरेंज करना है, तो यहाँ मैंने अरेंज करके लिखा है, सबसे पहले a की टर्म्स लिख ली है, फिर b की एंड देन c की। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, जो वेरिएबल सेम हो और उनके ऑपोजिट साइन होंगे उन्हें हम आपस में कट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट वाले में a का पॉजिटिव साइन है और सेकंड में a का साइन नेगेटिव है, इसलिए इन दोनों को आपस में आप कट कर सकते हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं कि जो c की टर्म्स हैं उनके भी ऑपोजिट साइन है तो उन्हें भी आपस में हम कैंसिल कर देंगे। अब आप देख सकते हैं हमारे पास सिर्फ b की टर्म्स बच गई हैं, उन दोनों के सेम साइन है तो इन्हें हम आपस में क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इनका कोफिशिएंट 1 है तो 1 में 1 ऐड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 2b। नाउ वी विल डिस्कस अवर
पार्ट नंबर फोर. सी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी. डी इज इक्वल टू माइनस ए माइनस बी माइनस सी. एंड वी हैव टू फाइंड सी माइनस डी. स्टूडेंट्स, हमने सी के एक्सप्रेशन में से डी के एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारे पास जो डी के एक्सप्रेशन है उनकी टर्म्स के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे. तीनों का नेगेटिव साइन था, इसलिए अब तीनों का साइन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया है. अब हमने नेक्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग इनको अरेंज कर लेना है, लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लेना है. स्टूडेंट्स, इस एक्सप्रेशन में आप देख सकते हैं कि सिर्फ सी की टर्म्स हैं जिनके ऑपोजिट साइन है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, ये कैंसल हो जाएंगे. माइनस सी और प्लस सी आपस में कैंसल हो गए. अब आप देख सकते हैं ए और बी दोनों के साइन जो हैं वो सेम है, इसलिए हम इन्हें क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं. इन सब का कोफिशियंट जो है वो 1 है. ए में ए को ऐड कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 2a. इसी तरह बी में बी को ऐड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 2b. स्टूडेंट्स, इन दोनों टर्म्स का कोफिशियंट चूंकि सेम है, इसलिए हम इसे एज ए कॉमन टर्म भी निकाल सकते हैं. Now we will discuss our part number 7. A is equal to A plus B plus C. B is equal to A minus B plus C. C is equal to A plus B minus C. And we have to find A plus B minus C. Students, सबसे पहले हम A का expression लिखेंगे, plus B का expression, minus C का expression आ जाएगा. स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिएगा, जो एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा सिर्फ उसी के साइन चेंज होते हैं, जो ऐड हो रहा हो उसके साइन चेंज नहीं किए जाते. इसलिए हमारा ए और जो बी के एक्सप्रेशन की टर्म्स हैं वो सेम रहेंगी, लेकिन सी के जो एक्सप्रेशन में टर्म्स दी गई हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे. ए का साइन पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो गया, बी का साइन पॉजिटिव था वो भी नेगेटिव हो गया, और सी का साइन नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया. स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग हम इन टर्म्स को रीअरेंज कर लेंगे. सबसे पहले मैंने ए की टर्म्स लिखी हैं, फिर बी की एंड देन सी की. स्टूडेंट्स, आप इसमें देख सकते हैं कि ए के पास ऑपोजिट साइन है, इसलिए हम उन्हें आपस में क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर देंगे. पॉजिटिव ए और नेगेटिव ए आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया. इसी तरह बी की भी टर्म्स में दो टर्म्स ऐसी हैं जिनके ऑपोजिट साइन है, तो हम उन्हें क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे. सी में हमारे पास टर्म्स के साइन सेम है, इसलिए उन्हें हम ऐड करेंगे. ए भी एक रह गया, इसलिए ए वैसे ही आ गया, माइनस बी, और सी की टर्म्स को हमने आपस में ऐड कर लिया, तो आंसर कितना आ गया, 3c. नाउ वी विल डिस्कस 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 10. A is equal to A plus B plus C. B is equal to A minus B plus C. C is equal to A plus B minus C. D is equal to minus A minus B minus C. And then we have to find A plus B minus C plus D. Students, इस expression में हमने चारों terms को solve करना है. मैंने यहाँ पर चारों एक्सप्रेशंस को डिफरेंट कलर से शो कर दिया है, ताकि आप आसानी से देख सकें कि एक एक्सप्रेशन कौन सा है, बी का कौन सा है, सी का कौन सा है और डी का कौन सा है. स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने चूंकि ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होता है, इसलिए ब्रैकेट्स में हम सबसे पहले टर्म्स को अरेंज करके लिख लेंगे, ताकि सबसे पहले हम उनको सॉल्व कर सकें. यहाँ आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ब्रैकेट में बी के साइन ऑपोजिट हैं, इसलिए वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे. इसी तरह सेकंड ब्रैकेट में ए के साइन ऑपोजिट है, वो भी कैंसल हो जाएगा, और बी का साइन भी ऑपोजिट है, इसलिए वो भी कैंसल हो जाएंगे. अब फर्स्ट ब्रैकेट में हम ए में ए को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2a. सी में सी को ऐड किया तो कितना आ गया, 2c. अब आप देख सकते हैं सेकेंड ब्रैकेट में सी का भी सेम साइन है, दोनों साइन कौन सा है, नेगेटिव का साइन है. स्टूडेंट्स, याद रखिएगा सेम साइन ऐड किए जाते हैं, तो हम यहाँ पर भी सी को ऐड कर लेंगे, लेकिन साइन हमारे पास चूंकि नेगेटिव है, इसलिए साइन हमारे पास नेगेटिव ही आएगा. अब आप देख सकते हैं फर्स्ट एक्सप्रेशन में से सेकेंड एक्सप्रेशन को हमने ऐड करना है, लेकिन हमारा जो सेकेंड एक्सप्रेशन है उसका जो साइन है वो नेगेटिव है,
और आप जानते हैं कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, इसलिए जो सेकंड एक्सप्रेशन है उसके पास क्या आ जाएगा, माइनस टू सी। अब आप देख सकते हैं कि सी के जो एक्सप्रेशन है उनके ऑपोजिट साइन है, कोफिशिएंट भी सेम है, वेरिएबल भी सेम है, इसलिए उन दोनों को आपस में हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे और हमारे पास सिर्फ क्या बच जाएगा, टू ए। स्टूडेंट्स, हेयर इज द सेल्फ असाइनमेंट फॉर यू। यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स, एट्थ एंड नाइन्थ। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।